अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ को रोक लो पापा, माँ को रोक लो। अगर माँ इस घर को छोड़ के चली गई ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। अर्जुन की हत्या तूने की, यही बात है ना? आपको कैसे पता? ये प्रश्न तो धर्मराज मैयावंशी से पूछ रही है, हैं? जिसने आज सुधी मनुष्य को परखने में कभी चूक नहीं की। जिस दिन ये हुआ ना, तब किसी को खबर नहीं थी कि क्या हुआ, मने पर नहीं। पर आज जो सबने सुना ने देखा, उस पर विश्वास भी कर लिया कि संतु हत्यारी है। पर मैंने विश्वास नहीं किया। एटला माटे दस वर्ष इस कमरे में चार दीवार के अंदर अपने आप को बंद रखा, एक कच प्रश्न पूछता रहा कि कौन है हत्यारिन, किसको बचाने के लिए संतु झूठ बोल रही है। तो नशुला क्यों? क्या संतु यह घर छोड़कर जाती नहीं, मैं उसको जाने देता है? मैयावंशी इतना मूर्ख नहीं है। मैं सोच के बैठा था कि जब वो इस घर से जाएगी तो इस घर का सदस्य उसको रोकने का प्रयत्न करेगा ना, वही हत्यारा होगा। मैंने विश्वास किया इन घर के सदस्यों पे, क्योंकि मैंने खबर है कि इस घर के हर सदस्य में इंसानियत जरूर है। आज मुझे 10 वर्ष पछे ही मिले प्रश्न का उत्तर मिला कि तू है अर्जुन की हत्यारिन, संतु नहीं। अने तुझे बचाने के लिए 10 वर्ष वो कारागार में रही। जो एनी ममता जो उसके कोख से नहीं जन्मी, और तो उसने ये त्याग दिया। तू वो आपको मारने आ रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पापा। इसलिए आपको बचाने के लिए मैंने उसपे वार कर दिया पापा, वार कर दिया मैंने उसपे। इसका अंजाम क्या होगा, क्या होगा इसके बाद, मुझे कुछ पता नहीं पापा, कुछ पता नहीं। सब कुछ इतना अचानक से हो गया कि मैं कुछ कर नहीं पाई पापा, कुछ कर नहीं पाई। और उसी वक्त माँ ने मुझे देख लिया बाबा। माँ नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी सी उम्र में जेल जाओ, या ये बात वो घर के किसी भी सदस्य को नहीं बताना चाहती थी। चुप, तूने नहीं, मैंने मारा है। इसलिए मेरे बदले वो जेल गई। उन्होंने जो मुझे कसम जो दी थी, कसम दी मुझे, कसम दे अपना मुंह नहीं खोलेगी। बिरवा बिरवा, तूने अर्जुन को नहीं, मैंने अर्जुन को मारा। सुना तूने? मैंने मारा अर्जुन को। मुझे बचाने के लिए उन्होंने डन भुगता, और उसी वक्त उन्होंने मुझसे एक बात कही। बिरवा, होशियार बनना है, नाम कमाना है, लेकिन नाम रोशन करना है तुझे। तूने ऐसा किया ना, मैं समझूंगी मुझे मेरे तपस्या का फल मिला है। पापा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ, बस उन्हीं की वजह से।
उन्होंने आपके बेटे को नहीं मारा, नहीं मारा आपके बेटे को, बल्कि आपकी बेटी को बचाया है उन्होंने। पापा, लोग कहते हैं कि सौतेली माँ अच्छी नहीं होती, लेकिन उन्होंने मुझे सगी माँ से ज्यादा प्यार दी, उससे बढ़ के ममता दी उन्होंने। उन्होंने मुझे अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन ये जो जिंदगी है ये उन्हीं की दी हुई है। और 10 साल वो सिर्फ मेरे लिए जेल में रही, सिर्फ मेरे लिए। उन्होंने सबकी नफरत सही, आपकी नजरों में वो बुरी बनी, बहुत दुख से, सिर्फ मुझे खुश देखने के लिए। पापा, वो मेरी माँ नहीं, मेरी जिंदगी है पापा, मेरी जिंदगी। अगर आप माँ को छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो इस घर को नहीं छोड़ के जाएंगी, नहीं जाएंगी। मैं उन्हें जाने नहीं दूंगी, क्योंकि इस घर के कोने कोने में माँ बसी है, मेरी माँ बसी है। उन्होंने इस घर के हर एक सदस्य के लिए कोई ना कोई त्याग दिया है पापा। अगर आज ये घर खड़ा है ना, तो सिर्फ मेरी माँ के त्याग की वजह से। अगर आज माँ इस घर से निकल गई ना, तो इस घर से इस घर की आत्मा निकल जाएगी पापा, निकल जाएगी पापा। अब समझ रहे पापा। इस तस्वीर को आप अपनी पत्नी मानते हैं ना पापा, लेकिन ये एक तस्वीर से ज्यादा मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। जब भी मैं सुभद्रा माँ का चेहरा देखती हूँ ना, तो मुझे अनजाना सा लगता है। पर माफ करना पापा, जो मेरी संतु माँ ने मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता पापा। उन्होंने एक रिश्ता निभाने के लिए न जाने कितने रिश्ते तोड़ दिए, मुझे कुछ बनाने के लिए खुद मिट गई हो। पापा, अगर आपको सजा देना है ना, तो प्लीज मुझे दीजिए, मुझे दीजिए पापा, प्लीज माँ को इस घर से मन जाने दीजिए पापा, मन जाने दीजिए। कुछ कहा तो नहीं ना? क्यों पिरवा, क्यों क्यों कहा तुमने? मैंने तुमसे कुछ भी कहने को मना किया था तो फिर क्यों? 10 साल की तपस्या को तूने बंद कर दिया, क्यों पिरवा? आज सच बताना जरूरी था माँ। पर क्यों, क्यों पिरवा, क्यों बताया, क्यों बताया? क्योंकि मैं अपनी माँ नहीं खोना चाहती, फिर से नहीं खोना चाहती हूँ मैं, नहीं खोना चाहती। दस वर्ष 5 महीना और 13 दिवस, इतने समय में मन में प्रश्न लेके विचारता रहा के कोक न कोक दिवस संतु मेरे प्रश्न का उत्तर देगी, पर भान नहीं था मुझे कि संतु उत्तर नहीं दे रही। ये खोटा नहीं खोटा मेरा प्रश्न है कि संतु मैयावंशी ने ऐसा क्यों किया। चल बोलो बे, क्यों किया ऐसा? इतने समय सबकी घृणा सहती रही, इना पछी भी सबको प्रेम दिया। तेरे निश्चल प्रेम में सब लोग घर का हर सदस्य छल देखता रहा, पर तो तू प्रेम करती रही। बोल ना, क्यों किया ऐसा? 10 साल 5 महीने और 13 दिन तो क्या माँ अपने बच्चों को जीवन भर निश्चल प्यार कर सकती, उनसे बिना कुछ मांगे।
इसलिए तो माँ माँ होती। मैंने कोई बलिदान नहीं दिया है, मैंने जो भी किया है अपनी ममता के लिए किया है, माँ होने का धर्म निभाया है, इस घर की बहू होने का कर्तव्य निभाया है। पर मेरी आपसे एक विनती है, आप बिरवा को कुछ नहीं कहेंगे, उसने जो कुछ भी किया है आपको बचाने के लिए किया था, ये आपसे एक माँ की विनती है और आपकी बंदीने की कसम। डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।